वाली लाइफ ब्लॉग। तो आज हम लोग आ गए समुद्र में नहाने के लिए। सिवाह के पापा सिवाह चाचू नहा रहे और अभी हम दीदी को नहाना है, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको बहुत मजा आने वाला है। गौर से देखिए इनको, यही वो शख्स हैं जो ऊंट के ऊपर वजन लाद रहे हैं। जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने होटल भी ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं समुद्र में नहाने। तो हम समुद्र में नहाने जा रहे हैं, हम दीदी भैया और शिवाय के पापा जी जा रहे हैं शिवाय। तो चलो वहां पहुंच कर दिखाते हैं आपको सारा कुछ। पहुंच चुके हैं बीच में और मार्केट पूरा जाम लगा और ये रहा हमारे पीछे नीला समुन्दर। नीला समुन्दर और ये देखो नहीं है यहाँ पे कुछ, और कहीं मांगो जाके, यहाँ नहीं है कुछ भी, पीछे लग गए हैं देखो मांगने वाले हमारे। और ये लेडी हमारे पीछे लगी हुई है, गौर से देखिए इनको, यही है वो शख्स जो पीछे मांगने वाले लगे हुए हैं, देखो गौर से। पहला समुद्र का एक्सपीरियंस। तो भाई साहब यहाँ पे देखो ये समुद्र बीच की मस्ती और ये पीछे समुद्र और यहाँ से मजा उठा रहे हैं। शर्मा रहा। गौर से देखिए इनको, यही वो शख्स हैं जो ऊंट के ऊपर वजन लाद रहे हैं। रुक जाइयो भैया, इनकी फोटो जल्दी, सवारी घोड़ों की ऊंट के ऊपर। ये देखो शिवाय शिवाय। भैया दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ अरे वाह, शिवाय नहीं शिवाय नो। क्या है ये, क्या लिए हो तुम, क्यों जीजी है दूसरा है, अच्छा ठीक। तो ये देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर दूर से दिख रहा है। साइकिल लेनी है तुम्हें, अच्छा देखो इनको भैया साड़ी नहीं मिल रही है। हो आई ले आई कुछ, कैसे घूम रहे हैं, आगे ले रहे हैं, एक दुकान पसंद करके रखा है। ये देखो गुस्सा हो गया, गुस्सा सा साइकिल दला। साइकिल दला उसे, देखो साइकिल से कम 3.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ ले लिए बैट, भैया कह रहा बड़ा बैट लो, मारने को आसानी होगी, मस्ती कर रहे थे।